आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। दो दिन में लगातार दो सितारों का जाना बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ये अल्फाज है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नो एंट्री रेड बेलगाम जैसी सुपरहिट फिल्मों के एक्टर और सलमान खान, बिपाशा बसु, समीरा रेड्डी, विवेक मिश्रा, ईशा देओल, कमल सदाना, अनिल कपूर को फिटनेस ट्रेनिंग दे चुके एक्टर और फिटनेस महागुरु के नाम से मशहूर अब्बास अली का, जिनका कहना है कि सरकार के आदेश और कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए वो एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को उनके घर से कब्रिस्तान और शमशान तक आखिरी विदाई देने तो नहीं जा सके, लेकिन महान सितारों का जाना बॉलीवुड के लिए सच में बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने बिजनौर खबर टीवी संवाददाता और अपने दोस्त फरीद अंसारी को ऋषि कपूर को आखिरी विदाई देते हुए और अपने गम का इजहार करते हुए एक वीडियो भेजी। हाय दोस्तों, मैं अब्बास अली मुंबई से। सैड न्यूज ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो शॉकिंग न्यूज है, कल इरफान भाई और आज ऋषि कपूर। हाँ, खैर ये तो दुनिया की हकीकत है। जैसे कि शायर ने कहा है कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो फैक्ट है ये, हर एक को एक दिन जाना है। बट अचानक से एक ऐसा होता है कि झटका लगता है। कल इतनी अच्छी शख्सियत इरफान खान चले गए और आज सुपरस्टार ऋषि कपूर जी। बट रियली वी विल मिस देम। पता नहीं लॉकडाउन के चलते हुए सरकार की सब चीज़ों को मानते हुए हम लोग मजबूर होके चाहते हुए भी नहीं जा सके उनके, ना हम शमशान जा सके ना कब्रिस्तान। बट दिल से मेरी दोनों के लिए दुआएं हैं कि ऊपर वाला उनको अच्छी जगह दे। एंड मे द सोल रेस्ट इन पीस।